To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओन प्राइस और प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिसिटी में जिसमें हमने ओवरव्यू लिया इलास्टिसिटी है क्या, उसमें हमने कहा था इलास्टिसिटी कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस को, रिस्पॉन्स को। आप किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, या तो उसकी अपनी प्राइस के रिस्पेक्ट से देख रहे होंगे, या किसी सब्सिडी और कॉम्प्लीमेंट की प्राइस के रिस्पेक्ट से देख रहे होंगे, या फिर इनकम के रिस्पेक्ट से देख रहे होंगे। तो यहाँ हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओन प्राइस इलास्टिसिटी, यानी डिमांड का वो रिस्पॉन्स जो कि उसकी अपनी प्राइस की वजह से है। तो बहुत आसान सी इसकी डेफिनेशन ड्राइव हुई, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वान्टिटी डिमांड ड्यू टू, यानी क्वान्टिटी डिमांड का रिस्पॉन्स किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो रिस्पॉन्स करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखें, यहाँ वर्ड हमने इस्तेमाल किया क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस। आप याद होगा जब हमने उस लेक्चर को डिस्कस किया जिसमें हमने डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के डिफरेंस को देखा था, तो वहाँ हमने यही बात डिस्कस की थी कि अगर डिमांड कर्व में जो क्वांटिटी का चेंज है अगर वो किसकी वजह से आ रहा है, उसकी अपनी प्राइस की वजह से, तो उस चेंज को कहेंगे क्वांटिटी डिमांड, और अगर किसी और फैक्टर की वजह से आ रहा है तो हम उसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो यहाँ हम क्योंकि उसकी अपनी प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो अपनी प्राइस की वजह से जो उसमें चेंज आ रहा है, तो इसलिए हमने वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो आई रिपीट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं जो मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर वन, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, अच्छा परसेंटेज मेथड बहुत आसान है। आपको जब डेफिनेशन क्लियर है तो परसेंटेज मेथड बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्या है, क्वांटिटी डिमांड, इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और डेफिनेशन भी देखें यही तो है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और जब हम रिलेटिव देखेंगे परसेंटेज में तो हमने उसको नाम दे दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी फॉर्मूलेशन की फॉर्मूले की डेरिवेशन से पहले हम यहाँ देखते हैं परसेंटेज चेंज मालूम कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैल्यू यहाँ पर 2 से 4 हो गई तो 2% का चेंज आया, 6 से 10 हो गई 4% का चेंज आया। जितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ 2% का और 4% का, ये बात बिल्कुल गलत है, ये 2% 4% का चेंज नहीं है। अब चेंज कैसे निकालते हैं वो देखें, जब परसेंटेज चेंज, जब भी परसेंटेज चेंज निकालते हैं हम अभी मालूम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो परसेंटेज चेंज, तो सबसे पहले ऊपर रखते हैं चेंज, नीचे रखते हैं इनिशियल वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। अब जैसे 2 से 4 हुआ तो चेंज निकालेंगे, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 4 माइनस 2 2 2, इनिशियल वैल्यू कौन सी थी 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, कितना आएगा 100%, ये 1 आ जाएगा और ये 100%। इस तरीके से वैल्यू होगा 6 टू 10 हुई है तो चेंज कितना आया, 10 माइनस 6 4, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 6, मल्टीप्लाई अगर इसको 100 करूंगा तो आपके पास ये आंसर निकलेगा 66.66%। ठीक है, अच्छा इसके बाद 6 से 10 हुआ तो 66%, अगर मैं बोलूँ 10 से 6 हुआ तो अब आंसर आएगा -4, क्योंकि 6 माइनस 10 करेंगे, इनिशियल वैल्यू आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर आएगा -40%। माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये शो करेगा कि वैल्यू कम हुई है, परसेंटेज चेंज वैसे ही निकाला है, चेंज ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि परसेंटेज चेंज तो आपने निकाल लिया लेकिन वो चेंज ऐसा है कि वैल्यू बढ़ गई है, तो माइनस प्लस का साइन वैल्यू का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना बता रहा है। जबकि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख चुके हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, ऊपर रखते हैं चेंज, नीचे रखेंगे इनिशियल वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100% से, तो आपके पास आ जाएगा क्या, परसेंटेज चेंज। तो अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर हमने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज मालूम के लिए ऊपर क्या रखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड,
डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल क्वांटिटी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया हमने 100 से। ये जो पूरा फॉर्मूला है ये हमें बता रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ तक डन हो गया। अब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या 100। ये आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम उसका सिंप्लीफाई करते हैं। ये 100 से कैंसिल। अच्छा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दिस डिवाइडेड बाय दिस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ चेंज इन क्यूडी ओवर क्यूडी डिवाइडेड बाय चेंज इन पी ओवर पी 100 क्योंकि कैंसिल हो गया तो आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आपके पास निकला चेंज इन क्यूडी ओवर क्यू डी डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा p ऊपर चला जाएगा डेल्टा p यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अब देखें ज़रा गौर से 2 × 3 करेंगे 6 3 × 2 करेंगे 6 यानी मल्टीप्लाई में चीज़ों को आगे नंबर्स को आगे पीछे कर लें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर क्यू डी और ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं डेल्टा को उठाकर डेल्टा के नीचे रख दूंगा यानी मैं क्या दूंगा डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी ये यहाँ पर रख दिया और मल्टीप्लाई बाय प्राइस और ये क्वांटिटी इसके नीचे रख दी क्वांटिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस इनटू इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी। तो ये तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला। अब उसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हमने देखा है कि एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस 10 और 50 यूनिट्स की डिमांड की जा रही है और अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो नई जो क्वांटिटी डिमांड हमें नजर आ रही है वो नजर आ रही है 40। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। अब हमने मालूम करना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमको पता है चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इंटू पी ओवर इनिशियल प्राइस ओवर इनिशियल क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस कितना है देखिए चेंज इन प्राइस 50 से 40 हुआ तो 40 माइनस 10 करेंगे माइनस 10। प्राइस 10 से 12 हुआ है तो 12 माइनस 10 करेंगे 2। और इनिशियल प्राइस पहले प्राइस कितनी थी 10 ये इनिशियल प्राइस है और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 50 ये 50 आ गया आपके पास। अगर आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 2 × 1 = 5 × 5 = 10 और इतफाक से यहाँ पर आंसर आ रहा है 10/10 - 1। ये आपके पास क्या आ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो न्यूमेरिकल एग्जांपल थी। एक बात ज़हन में रखें जब हम इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में तो ऐसा फॉर्मूला कहलाता है पॉइंट फॉर्मूला। और पॉइंट फार्मूले की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये प्राइस और क्वांटिटी के स्मॉल चेंज को देखता है स्मॉल चेंज को। पॉइंट फार्मूला जिसमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी ली जाती है ये इलास्टिसिटी उस फार्मूला उस वक्त एप्रोप्रिएट है जब प्राइस और क्वांटिटी का चेंज कैसा होगा स्मॉल होगा। अच्छा अगर लार्ज चेंज आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूले में जरा सा मॉडिफिकेशन है वो क्या है फॉर लार्ज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी इन पी एंड क्यू क्या ठीक है ये तो आप यही रखेंगे डेल्टा क्यू और डेल्टा पी कोई इशू ही नहीं ठीक। अब इस पी को इनिशियल या फाइनल नहीं लेंगे आपने क्या काम करना है आप जो दो भी जो दो प्राइसेस आपको गिवन है आपने उनका एवरेज ले लेना यानी P1 + P2 / 2। इस P की जगह हमने दोनों प्राइसेस का एवरेज ले लिया इसी तरह Q1 + Q2 / 2 दोनों क्वांटिटीज़ का क्या ले लिया एवरेज ले लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 से कैंसिल। अब जो आपके पास फार्मूला बचा वो आपके पास बचा चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इंटू P1 + P2 / Q1 + Q2 ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो फार्मूला आपके पास ड्राइव हुआ ये कहलाता है आर्क फार्मूला।
आर फॉर्मूला। और याद रखिएगा आर फॉर्मूला स्मॉल के साथ साथ लार्ज चेंज को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो पॉइंट फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्मॉल चेंज के लिए बेहतर है, आर फॉर्मूला लार्ज चेंज को भी इनकॉर्पोरेट कर लेता है और साथ साथ स्मॉल को भी कर लेता है। अच्छा, कभी कभार होता यह है कि आपको इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन होती है कि आप आर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा चेंज तो बहुत ज्यादा है, हमें आर्क यूज करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन नहीं है। तो अगर इंफॉर्मेशन ही ऐसी गिवन नहीं है कि आप आर्क इस्तेमाल करें, फिर आप उसमें भी पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वैल्यूज मैंने दे दी और इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी दे दी, तो अब तो दूसरा पॉइंट ही नहीं है। आप इस तरफ जाए P1 प्लस P2 पे जा ही नहीं सकते, सिर्फ इनिशियल प्राइस है, तो फिर आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, पॉइंट फार्मूला। तो कंक्लूड करते हैं कि हमने जब इलास्टिसिटी को ड्राइव किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर हमने परसेंटेज चेंज का कैसे निकाला उसको हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। फिर इस फॉर्मूले को हमने एक्सरसाइज भी कर लिया, ये आपके पास एक्सरसाइज आ गई। इस एक्सरसाइज में हमने फिर अल्टीमेट ये देखा, ये आपके पास इलास्टिसिटी आ गई, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास कहलाता है पॉइंट फॉर्मूला, और ये उस वक्त ज़्यादा फीजिबल है जब आप इस प्राइस और क्वांटिटी का चेंज कैसा हो, स्मॉल हो। जब प्राइस और क्वांटिटी का चेंज लार्ज हो, तो फिर हम करते क्या है, इन प्राइस और इन क्वांटिटी की जगह पर एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी ले लेते हैं। तो जब हमने इनकी जगह एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी लेकर ड्राइव किया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आया, और ये आपके पास कहलाता है क्या, आर्क फार्मूला। और आर्क फार्मूला क्या होता है कि लार्ज चेंज के लिए स्पेशली काम कर सकता है और स्मॉल चेंज के लिए भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ से कर लें तो कोई इशू ही नहीं है। देखें डेल्टा क्यू और डेल्टा पी तो वही वाला है जो यहाँ पर है, क्योंकि जो यहाँ पर है वही वहाँ पर मौजूद है। टू, अब P1 प्लस P2 22 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 90। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो U बचेगा 11 डिवाइड बाय -11 डिवाइड बाय 9, जो भी इसका आंसर है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये निकल जाए कि आपके पास क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू आर फार्मूला। तो आई होप ये ओन प्राइस इलास्टिसिटी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।